सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते ही हम शुरू आज का काम प्रभु। करते ही हम शुरू आज का काम प्रभु। शुद्ध वाव से तेरा ज्ञान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हें से पाए हम। शुद्ध वाव से तेरा ज्ञान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हें से पाए हम। हाँ विद्या का वरदान तुम्हें से पाए हम। तुम्हें से आवास तुम्हें से पाए हम, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुप्रभात सभी को। चलिए इस दिन का शुरुआत करते हैं प्रार्थना के शब्दों के साथ। हे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं हम सबको एक नया दिन देने के लिए। कई लोग इस दुनिया को छोड़कर गए, परंतु हम आपका धन्यवाद करते हैं हम सबको आपके हाथ के नीचे सुरक्षित रखने के लिए। हे प्रभु, जैसे हम आज का दिन शुरू करते हैं, कृपया हर क्षण हमारे साथ रहिएगा, हमें सभी बुराइयों से दूर रखिएगा और अध्यापन की हर ज्ञान अर्पित करने की बुद्धि हमें देना। जो भी अध्यापक हमें पढ़ाते हैं वो अच्छी तरह से समझने का बुद्धि हमें देना। हम प्रार्थना करते हैं हमारे कक्षों को शांति से और हमारे मन को आनंद से भरना। हम प्रार्थना करते हैं हमारे कक्षा शांति के वातावरण से पढ़ने के लिए हर दिन नए नए चीज़ सीखने के लिए मदद करना, हमेशा हमारी साथ रहना। यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। आज का वेद पाठ संत योहन्नान का पहला पत्र अध्याय 4 सातवें से 10वें वाक्य तक। प्रिय भाइयों, हम एक दूसरे को प्यार करें, क्योंकि प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। जो प्यार करता है वह ईश्वर की संतान है और ईश्वर को जानता है। जो प्यार नहीं करता वह ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। ईश्वर हमको प्यार करता है, यह इससे प्रकट होता है कि ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को संसार में भेजा, जिससे हम उसके द्वारा जीवन प्राप्त करें। यह है ईश्वर का समाचार। आदरणीय गुरुजनों और मेरे सभी दोस्तों को मेरा प्रणाम। मैं आज परिश्रम बाग की जननी है विषय पर अपना विचार प्रकट करना जा रही हूँ। परिश्रम बाग की जननी है। मेहनत एक महान गुण है। यदि हम अच्छी तरह परिश्रम करें तो सब कुछ हमारे वश में आता है। हमें किसी महान लक्ष्य को प्राप्त करना है तो कठिन परिश्रम करना चाहिए। छोटे छोटे चिड़ियों को देखो, वे कठिन परिश्रम करके अपने घर बनाती हैं। ठीक उसी प्रकार किसी महान कार्य की सिद्धि के लिए कठिन परिश्रम करना है। आलसी परिश्रम नहीं करता, परिश्रम किए बिना वह कहता है कि मेरे भागी नहीं है। ऐसा व्यक्ति जीवन में विजय नहीं बनता। जीवन में विजय बनने के लिए आलसी को छोड़कर परिश्रम करना चाहिए। यदि हम परिश्रम करें तो भाग्य हमारे पीछे आता है, नहीं तो भाग्य हमारे वश में नहीं आता। धन्यवाद। शुभ प्रभात। आज के प्रधान समाचार।
LIC की जीवन चांदी पेंशन पुलिस में एक कुशल निवेश कर पाए, हर महीने 13,000 रुपया पेंशन, जिंदगी भर मिलता। पिछले 24 घंटे केरला में 3,139 नए कोरोना केसेस रिपोर्ट हो गया, संपूर्ण एक्टिव केसेस 30,072 है। ब्लूमबर्ग ने $100 मिलियन खर्च करके फ्लोरिडा में बिडन को सहायता करता है। तोड़ चुकी है सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड महिला क्रिकेटर शेफाली वर्मा। आज के समाचार यहाँ समाप्त हुआ, धन्यवाद। भाषा के रूप में अपनाया। संविधान ने इसे मंजूरी की और देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भाषा आधिकारिक भाषा बन गई। 24 सितंबर जिस दिन भारत की संविधान सभा ने अपनी आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी को अपनाया, प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। कई स्कूल, कॉलेज और कार्यालय इस दिन को बहुत उत्साह के साथ मनाते हैं। कई लोग हिंदी भाषा और भारतीय संस्कृति के महत्व के बारे में बात करने के लिए आगे आते हैं। विद्यालय हिंदी वाद विवाद, कविता और कहानी कहने वाली प्रतियोगिताओं और सांस्कृतिक कार्यक्रम के मेजबानी करते हैं। हमारे राष्ट्रीय भाषा के साथ ही हमारे संस्कृति के महत्व पर जोर देने के लिए हिंदी दिवस एक महान कदम है। हर साल 24 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस दिन भारत की संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी भाषा को भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषा घोषित किया था। इसलिए इस दिवस को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इतना कहकर मैं समाप्त करती हूँ। राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गुंगा है। धन्यवाद। मन की भाषा, प्रेम की भाषा हिंदी है, भारत जन की भाषा। प्यारी, सबसे प्यारी हिंदी है हमारा। रात नाचे सारे मेरे यार, उठा के सारे अपने हाथ, नाचे सारी सारी रात। सारी 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 रात नाचे सारे मेरे यार, उठा के सारे।
तुझे सारी सारी रात। मैं सैंडल गुच्छे ये दे पाया, मैं नखरे भी लेके आया, फिर मुझको तंग ना कर जाना, मैं तेरे संग नहीं जाना। आ जाना देश को महान बनाया। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।